सो हे गाइस व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। सो गाइस मैं आ चुका हूं एक और न्यू ब्लॉग के साथ, और आज का ब्लॉग पूरा ब्लॉग शॉपिंग ब्लॉग होने वाला है। तो आज हम जाने वाले हैं सरोजनी मार्केट, और वहां पे जाके एक्सप्लोर करते हैं वो उसका क्या कलेक्शन मिलता है, वहां पे जाना वर्थ इट है या नहीं है। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं आपको वहीं। सो भाइयों अभी पहुंच चुके हैं मेट्रो स्टेशन पर, और अभी यहां से टिकट लेके निकलते हैं सरोजनी के लिए, और वहां पे दिखाते हैं आपको क्या मिलता है क्या नहीं, कैसे कपड़े मिलते हैं, किस रेंज में कपड़े मिलते हैं। तो तब तक के लिए ब्लॉग बने रहिए, यहाँ से हम पहुंच चुके थे सरोजनी मार्केट, और सरोजनी मार्केट में हम एक्सप्लोर करने वाले थे बॉज का क्या कलेक्शन मिलता है। और यहाँ पे रोहित उछल कूद कर रहा था बंदर की तरह, और सरोजनी मार्केट के अंदर जाके देखते हैं कि क्या कलेक्शन मिलता है बॉयज़ का, क्या कलेक्शन मिलता है, किस प्राइस पे मिलता है। तो चलो चलते हैं और देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इसको। सो गाइस जैसे ही हम अंदर घुसते हैं, हमें सारा का सारा गर्ल्स का कलेक्शन दिखता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो वहाँ पर गर्ल्स का ही कलेक्शन दिख रहा था अंदर घुसने के बाद। सो गाइस थोड़ी आगे चलते ही हमें बैगी जींस दिखी, वो भी गर्ल्स की थी। उससे ही नेक्स्ट शॉप पर मिल रहे थे शूज़, अफोर्डेबल प्राइस में शूज़ मिल रहे थे, 400 इनका प्राइस था, और अपने प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छे शूज़ थे। और यहाँ पे गॉगल्स मिल रहे थे, देख सकते हो आप लोग, इनका प्राइस भी 50 रुपीज़ से स्टार्ट था, और कोई भी शूज़ ले सकते थे आप यहाँ पर। तो गाइज़ काफ़ी देर घूमने के बाद हमें बॉयज़ का कुछ दिखा, वो थी कैप्स। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी यूनिक तरह की कैप्स थी, और शॉप नंबर भी दिख रहा होगा आपको वीडियो में, तो आप लोग देख सकते हो प्राइस इनका 200 था। सो गाइज़ काफ़ी देर घूमने के बाद हमें एक और शॉप दिखी, वहाँ पर हम गए और वहाँ पर देखा हमने सारा बॉयज़ का कलेक्शन था, नॉर्मल जीन्स, चेक शर्ट्स, डेनिम जीन्स सब कुछ मिल रहा था यहाँ पर, अफोर्डेबल प्राइस पर था, 250 से स्टार्ट थी शर्ट्स का प्राइस। और देख सकते हो आप लोग यहाँ पर जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा वीडियो में, और लोअर भी थे, लोअर का प्राइस स्टार्ट था 200 रुपीज़ से। सो गाइस थोड़ी सी आगे चलने के बाद हमें एक और शॉप दिखी जिसपे ओवर साइज टी शर्ट टंगी हुई थी, हम उस शॉप के अंदर गए और हमने वहाँ पे जाके इनका प्राइस पूछा, इनका प्राइस था 350 से स्टार्ट थी। हमने जाके एक दो टी शर्ट ट्राई की पर हमें कुछ अच्छी नहीं लगी, तो हम वहाँ उस शॉप से निकल गए और आगे चल दिए। सो गाइस उस शॉप से निकलने के बाद हम एक और शॉप में गए जहाँ पे लोअर और टी शर्ट की सेल लगी हुई थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टी शर्ट का प्राइस स्टार्ट था 250 से, और लोअर का प्राइस स्टार्ट था 300 से। और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग बहुत ही अच्छी अच्छी टी शर्ट और लोअर थे। अगर किसी को भी बाय करना है तो मैं आपको शॉप नंबर बता देता हूँ, शॉप नंबर था 20, और जाके आप लोग बाय कर सकते हो यहाँ पे, जो भी आपको पसंद आ रही है ब्लॉग में देख सकते हो आप लोग। सो गाइज वहाँ से थोड़ी आगे चलते ही हमें एक और शॉप दिखी जिसमें हम गए, और वहाँ पे हमने देखा कि बॉयज़ के कलेक्शन था अच्छा खासा, जीन्स कलेक्शन था वहाँ पे, स्ट्रेट फिट जीन्स थी, कार्गोज थी, सब तरह की जीन्स थी। और इस शॉप का शॉप नंबर था 22, अगर आपको बाय करनी है तो आप लोग जाके और जाके देख सकते हो। इनकी प्राइस 400 से स्टार्ट थी, और आगे मैंने पूछा नहीं भैया से, 400 से स्टार्टिंग थी इन जीन्स की, अगर आपको चाहिए तो आप लोग जाके और देख सकते हो और ले सकते हो। सो गाइज वहीं पे घूमते हुए हमें भैया दिखा, और इन्होंने बताया कि इन्होंने नई शूज़ शॉप ओपन की है और वहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है, तो उन्होंने बोला जाके एक बार कलेक्शन को देखो और ट्राई करो, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो ले लेना। तो हम गए और हमने जाके वहाँ पे कलेक्शन देखा, सही कलेक्शन था। शॉप नंबर 23 के नीचे बेसमेंट में इनकी शॉप थी भैया की, और वहाँ पर जाके हमने कलेक्शन देखा, और वहाँ पर प्राइस 750 से स्टार्ट थे, और जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैं। मैडम का ध्यान किधर है, बैग की दुकान तो इधर है।
सो गाइज इतना घूमने के बाद वहाँ पे हमें बॉयज़ का कलेक्शन नहीं मिला, और जो जितना मिला मैंने व्लॉग में शूट कर लिया, तो इसलिए हम घर पे आ गए। वहाँ पर ज़्यादातर गर्ल्स का ही कलेक्शन था, बॉयज़ का बहुत कम था, जो था मैंने व्लॉग में शूट कर लिया था। उसके बाद हम वहाँ से निकले और सीधा घर के लिए निकल गए। सो भाइयों सरोनी जाना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, क्योंकि वहाँ भसड़बाजी बहुत है, लड़कियों के कपड़े हैं सारे, चूजे बनाती पब्लिक कि वहाँ लड़कों के मिलते हैं, ये मिलता वो मिलता, कुछ नहीं मिलता वहाँ पे लड़कों का। उससे अच्छा तुम कहीं भी जाके बढ़िया सी जगह वैसे नॉर्मली ले सकते हो।